subscribe and press the bell icon to watch the latest dramas. क्या समझ रहे थे कि तुम मुझे नहीं बताओगे तो मुझे कुछ पता नहीं चलेगा? मैं आपको वहां क्या बताता, और वैसे भी आपको पता चलना ही था, लेकिन जिस तरह आपको पता चला है वो बिल्कुल गलत है। मैं और ईमान मॉम, we are just friends। अहमर, तुम्हें इस तरह ईमान को डायमंड रिंग नहीं देनी चाहिए थी, वो भी महा को बगैर बताए। महा की तो आदत है हर बात का बतंगड़ बनाना। ईमान बहुत स्ट्रेस थी मॉम, उसका पासपोर्ट गुम गया था, उसका शौहर उसको अपने साथ बाहर लेके नहीं गया। मैंने सोचा चलो उसकी बर्थडे सेलिब्रेट कर लेते हैं, क्या गलत किया मैंने? अहमर, ईमान वही लड़की तो नहीं है जिसने तुम्हें सबके सामने थप्पड़ मारा था? वो बात तो मैं कब की भूल चुका। कम ऑन, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि कौन गलत है और कौन सही। एनीवे, मैं कल उनके घर जाऊंगी, वहां जाके बात करूंगी। आप वहां क्यों जाएंगी मॉम? वो खामखा आपको बुरा भला कहेंगे, और वैसे भी महा मेरे साथ खुश नहीं थी। अहमद, वो लोग बेवकूफ तो नहीं है जो मेरा कसूर ना होते हुए भी मुझे बातें सुनाएंगे? इस वक्त सरासर गलती तुम्हारी और ईमान की है। मैं आपको आखिरी बार बोल रहा हूँ और कसम खा के बोल रहा हूँ, एंड यू नो आई डोंट लाई, मेरे दिल में ईमान के लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। ट्रस्ट मी मॉम। तो इसका ये मतलब है कि ईमान तुम्हें रिजेक्ट करने के बाद अब पछता रही है। शायद उसने वो फैसला उस वक्त जल्दबाजी में किया है, मुझे तो ऐसे ही लग रहा है। क्या कह सकती हूँ? इसने तो जो भी सोचकर डिसीजन लिया, लेकिन मैं इसकी जिंदगी में पछतावों के सिवा कुछ नहीं छोड़ूंगा।